नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति पर आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु दूसरे चरण में वाराणसी में हुआ मतदान, ज्यादातर मतदान स्थल पर कोविड गाइडलाइन का नहीं हुआ पालन। नवरात्र के सातवें दिन भक्तों ने मां कालरात्रि के दरबार में टेका मत्था। पूर्व विधायक अजराय ने भाजपा सरकार को घेरा, त्वरित अस्पताल की व्यवस्था किए जाने की करी मांग। और शनिवार की रात महमूरगंज क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल करने वाले दो अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। नवरात्र के सातवें दिन मान्यता अनुसार भक्तों ने मां कालरात्रि के दरबार में मत्था टेका। चैत्र नवरात्र के सातवें दिन मां कालरात्रि की आराधना का विधान है। मान्यता है कि मां कालरात्रि के दर्शन पूजन से अग्नि, जल, जंतु, शत्रु आदि भय से मुक्ति मिल जाती है। मां कालरात्रि ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों की प्राप्ति के मार्ग खोल देती हैं। काशी में मां का मंदिर दशाश्वमेध स्थित कालिका गली में स्थित है, जहाँ माँ के दर्शन हेतु सुबह से ही भक्त पहुँचने लगे। लेकिन इस बार काशी में वो नज़ारा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोविड-19 के चलते श्रद्धालु मंदिरों में कम आ रहे हैं और प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि कोविड-19 गाइडलाइन के तहत लोग दर्शन करें, जिसका मंदिर प्रशासन भी बखूबी पालन कर रहा है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने माँ को नारियल, चुनरी, माला फूल अर्पित कर उनसे जीवन मंगल की कामना की। किस देवी का दर्शन पूजन है? नवरात्र में सप्तमी को माँ का दर्शन होता है कालरात्रि का। उसी में कोरोना काल में जो है बहुत कम लोग आए हैं दर्शन करने। माई से हमारी विनती यही है, माँ जल्द से जल्द कोरोना को जो है खत्म करें। तो गुरु जी, कोरोना काल को देखते हुए किस तरह की व्यवस्था की गई है मंदिर परिसर में? कोरोना काल में व्यवस्था यही है कि मतलब सैनिटाइजर लगा रहे हैं और दूर से दर्शन करा रहे हैं, दूर दूर के रहिए खड़ा नहीं रहे हैं। कई नारियल फूलते हैं, बाकी लोग माला फूल लेके आते हैं, रखवा देते हैं खड़ा होकर। जैसे कि आज नवरात्र का सातवां दिन है, माँ कालरात्रि का दर्शन होता है। यह मंदिर कालिका गली स्थित गली के अंदर माँ भद्रकाली के नाम से प्रसिद्ध है। और हम लोग तो यही निवेदन करते हैं माँ भगवती से कि इस महामारी से पूरे देश को जल्द से जल्द मुक्ति दिलाए और जो भी समस्या हो रही है उससे हम लोग को मुक्ति जल्दी से मिले। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु दूसरे चरण में वाराणसी में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई, वहीं ज्यादातर मतदान स्थल पर कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज वाराणसी में दूसरे चरण का मतदान किया गया। सुबह 7 बजते ही वाराणसी में मतदान शुरू हो गया। काशी विद्यापीठ ब्लॉक के गांव में बूथ नंबर 187 पर 7 मिनट देरी से मतदान शुरू हुआ। मतदान केंद्र पर सुबह से ही मतदान करने के लिए लाइन लगी रही। मतदान करने आए आलोक रंजन ने बताया कि गांव में अभी भी मूलभूत समस्या है। वहीं कोरोना के बढ़ते केसेस के बावजूद मतदान केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। आप विवेक जी, आप गांव की सरकार बनने वाली है, मतदान करने आए, दिमाग में क्या है, क्या सोच कर वोट करेंगे? ठीक है, विकास के लिए सब लोग लगे हुए हैं और विकास को देखते हुए हम लोग मतदान करने आए हैं। अगर विकास होगा तो सब अच्छा ही है। गांव में अभी भी समस्याएं क्या है मूलभूत, जिसको चाहेंगे आप दूर हो जाए? नाले की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, पानी की, तो अभी तक दूर नहीं, तो अभी तक दूर नहीं हुआ है। रोड की समस्याएं होती हैं? रोड की समस्या तो हमारे मोदी जी के हिसाब से सब काम हो गया, बस नाले की बहुत बड़ी समस्या है गाँव में। वहीं काशी विद्यापीठ ब्लॉक के अंतर्गत भुल्लनपुर पीएससी कैंपस के अंदर स्थित प्राइमरी स्कूल में बनाए गए मतदान बूथ पर सुबह से ही लोगों की लंबी कतार लगी रही। यहां कोरोना महामारी को देखते हुए जनता ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया एवं मास्क लगाकर मतदान करने के लिए लाइन में खड़े दिखे। वहीं बूथ अधिकारी के द्वारा हर मतदान केंद्र पर बिना सैनिटाइज किए किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त रही। वहीं मतदाता विजय पटेल से बात करने पर उन्होंने बताया कि यहां पर मतदान शांतिपूर्ण हो रहा है, सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, लेकिन कोरोना काल में सरकार को चुनाव नहीं कराना चाहिए था। वाराणसी की स्थिति बहुत ही खराब है, दिन पर दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। महामारी में प्रशासन द्वारा जो निर्देश मिला है, सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग किया जा रहा है,
इस प्रकार को महामारी से बचाव का उपाय स्वयं हर वोटर अपने स्वयं कर रहा है। सरकार के द्वारा चुनाव को रोकना चाहिए था, आगे बढ़ाते डेट इसको, महामारी में अस्पताल और सुरक्षा का उपाय सरकार के द्वारा करना चाहिए और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। चुनाव प्रशासन शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए तत्पर है, लेकिन चुनाव अधिकारी और प्रशासन में समन्वय स्थापित नहीं है। पोलिंग एजेंट द्वारा बनाया गया था जिसके प्रशासन द्वारा बाहर निकाल दिया गया। एक नियम के तहत है कि हर जगह बूथ पे एजेंट होते हैं, लेकिन ये हटा दिया गया, यानी संवैधानिक पालन नहीं किया जा रहा प्रशासन के द्वारा। वही सारनाथ थाना अंतर्गत सुल्तानपुर व पतेरवा गांव में ग्रामीण सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथों पर पहुंचने लगे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं ग्राम निवासी साधो कुमार ने बताया कि हमारे गांव में जलकल की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि हम पूर्व प्रधान से एकदम संतुष्ट नहीं है। वहीं इस दौरान कोरोना की जारी गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गयी। हमारे गाँव के प्रमुख मुद्दे है, हमारे गाँव में जल नल नहीं है, हमारे गाँव में मृत्यु स्नान घर नहीं है, हमारे घर में हमारे गांव में जो है कि तालाब पोखरे जो हैं वो जो है कि गंदगी से भरे हुए हैं, उनकी सफाई का मुद्दा है, छठ के पोखरे का सुंदरीकरण का मुद्दा है, रेलवे अंडरपास से जो रोड गई है वहां गुद्दर जी के घर तक वहां का समस्या है, उसके बाद जो है कि जोगाबीर बाबा का मंदिर बनना चाहिए वो चीज़ समस्या में है, जीतिया माता का मंदिर का बाउंड्री वो भी समस्या में है, बारात घर इस गांव में होना चाहिए वो नहीं है, ये मुद्दे हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गांव के विकास के लिए ज़रूरी हैं। राजस्थान जी, आप आज आप वोट दिए हैं, क्या प्रमुख मुद्दे हैं आपके गांव? हमारे यहाँ यही प्रमुख है कि भैया गाँव का विकास होना चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए, विकास से हर चीज़ होती है। कैसा विकास होना चाहिए? क्या जैसे नाली है तो खड़ंजा है तो और चक्रोट है, हर चीज की समस्या जो है यही होना चाहिए। वहीं रामनगर के ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक 30 से 32% ही वोट डाले गए, जिसमें सुल्तानपुर के बूथ पर दोपहर 1 बजे तक 30% वोट डाले गए, किंतु दयावती मोदी एकेडमी में मतदाताओं में सुस्ती दिखी। दयावती मोदी एकेडमी का एक बूथ तो बिल्कुल खाली रहा, उस बूथ के पीठासीन अधिकारी को मतदाताओं का इंतजार करना पड़ा। वहीं भीटी के प्राथमिक विद्यालय पर मतदान का प्रतिशत ठीक ठाक रहा। पूर्व विधायक अजरा ने भाजपा सरकार को घेरते हुए त्वरित अस्पतालों की व्यवस्था की मांग की। लोहराबीर स्थित महामंडल नगर में कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय ने एक प्रेस वार्ता की और पत्रकारों को बताया कि जिस तरह से कोरोना वैश्विक महामारी के चलते काशी की जनता के इलाज के लिए सरकार के पास कोई भी ठोस कदम नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर हर दिन मरीज काफी संख्या में मर रहे हैं, उनके इलाज के लिए न तो ऑक्सीजन है न ही हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था है, सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने बताया कि सरकार फेल हो चुकी है, मरीजों के लिए ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है, जिससे लोग तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा दे रहे हैं, सरकार को चाहिए कि इसकी अविलंब व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि अब समीक्षा करने का समय नहीं है बल्कि मदद करने का है। उन्होंने कहा कि बड़े होटल स्कूल को अस्पताल में परिवर्तित कर वहां सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, यह हमारी मांग है। उन्होंने कहा कि शमशान बढ़ाने की बात की हम निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़कर लोगों की मदद कर रही है। हम जो भी हो सकता है चीज़ों को उठा रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं परीक्षा, हम लगातार ऑक्सीजन की बात उठा रहे हैं शुरू से, रेमडेसिविर आपने देखा होगा सबसे पहले हमने उठाया, कांग्रेस के लोगों ने उठाया, ऑक्सीजन की बात उठाई, अस्पतालों में बिस्तरे नहीं इसकी बात उठाई, हम लोग लगातार एक प्रमुख विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी की समीक्षा हुई, अब उसमें देखिए केवल सत्ता पक्ष के लोगों को बुलाया गया, केवल सत्ता पक्ष शामिल हुआ है, विपक्ष का कोई भी व्यक्ति नहीं शामिल हुआ, न मौसी शामिल हुआ है जी, न यहाँ के कांग्रेस का कोई जिलाध्यक्ष शहर अध्यक्ष, किसी दल के लोगों को नहीं बुलाया गया, केवल अधिकारी थे जो मेडिकल के कुछ फील्ड के काम लोग थे और उनके भाजपा के चुने हुए उनके प्रतिनिधि थे जो उनकी जय में जय करेंगे, जो सही बात है उसको नहीं बताएंगे, विपक्ष को कई लोग मौका ही नहीं दे रहे आगे काम करने का, पर हम लोग लगातार जनता के साथ खड़े हैं, लगातार हम लोगों से जो हो सकता है अपने संबंध से बेड दिलवा रहे हैं, ऑक्सीजन दिलवा रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था करा रहे हैं,
दवाइयों की व्यवस्था करा रहे, जो हो सकता है व्यक्तिगत रूप से लोग आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। इंजेक्शन की जो काला बाजारी चल रही है उसके खिलाफ किस तरीके से एकजुटता से आवाज? नहीं, बिल्कुल हम सब लोग, आप सब लोगों के माध्यम से ये बात उठा रहे हैं और जरूरत पड़ेगी तो हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर गुजर के इन चीज़ों के लिए, इस सरकार का, इस व्यवस्था का हम विरोध करेंगे, ये हमसे वादा करते हैं। इस तरीके से दिल्ली में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया, क्या लगता है कि यहाँ भी वो इस? अब ये सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए, इसको तत्काल, इसीलिए मैंने कहा ना विपक्ष को बुलाइए, सबको बुलाकर एक तत्काल इस पर निर्णय लीजिए और इस पर तुरंत निर्णय सरकार को करना चाहिए कि इस पर क्या किस है क्या उचित, तो तुरंत निर्णय लेकर करें। और जो स्थितियाँ अभी चली हैं मेडिकल की, जो स्थिति है उसमें तत्काल, पहले सबसे बड़ी चीज़ है कि अस्पतालों को सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में इसकी व्यवस्था कराएं। केवल समीक्षा करने का समय नहीं है, ये युद्ध स्तर पर, वार लेवल पर लोगों की मदद करने का और काम करने का समय। पूर्वांचल का एम्स कहा जाता है बीएचयू, और किस तरीके से देख रहे हैं, क्या प्रोवाइड करवा पा रहा है लोगों को? अरे भैया, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ से सांसद हैं। जब देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के अस्पतालों की दशा खराब है, शहर की दशा खराब है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन के बगैर लोग मर रहे हैं, जब इनके एक खुद के कार्यकर्ता, इनके खुद के एक नेता के भाई जिनका अस्पताल है, डॉक्टर संजय चौरसिया नाम है, संजय चौरसिया जी ने भी अपने वॉल पे लिखा कि प्रधानमंत्री जी बनारस में लोग ऑक्सीजन के बगैर मर रहे हैं, ये देखा नहीं जा रहा, तुरंत व्यवस्था करिए। वो भाजपा के कट्टर स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रह रहे हैं, अब इस समय है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। उनके भाई अशोक चौरसिया जी काशी प्रांत के पदाधिकारी हैं, क्षेत्रीय महामंत्री हैं, उनके परिवार के लोगों ने इस तरह की चीज़ें जब कहना शुरू कर दिया, इनके भाजपा के कितने पदाधिकारी, कितने लोग इस कोरोना की महामारी से चले गए, उसके बाद ये लोग समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा करने का समय नहीं भैया, ये लोगों की मदद करने का समय है, युद्ध स्तर पर उतर के काम करिए। ये मीडिया का जवाब दीजिए, मीडिया से मुँह चुरा कर मत भागिए। ये ब्लैक मार्केटिंग हरिश्चंद्र घाट और मनकनका पर चल रहा है, 12,000-18,000 एक क्लास का लिया जा रहा है लकड़ी का जलाने का। देखिए, जब सारी चीज़ें का भाव है, जब सारी चीज़ों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, दवा की व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, तो निश्चित है आज ये कह रहे हैं ना कि 10 या 12 लोग मर रहे हैं, तो हरिश्चंद्र मनकनका और ब्लैक मार्केटिंग किस चीज़ की हो रही है? लाश जलाने की। इसका मतलब कि लोग ज़्यादा मर रहे हैं, ये साबित हो गया। सत्ता पक्ष को अगर मशवरा देना हो तो क्या किन बातों पर ज्यादा जोर देंगे ताकि इस स्थिति को कंट्रोल किया जाए? तो हमारा सीधा सीधा प्रधानमंत्री जी को सुझाव है कि अस्पताल तत्काल, नए अस्पताल, टेम्परेरी हॉस्पिटल बनारस में बनाए जाए, तत्काल वहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए, तत्काल रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था की जाए, तत्काल जीवन रक्षक प्रणाली जो भी हो सकता है काशी की जनता का जान बचाने के लिए, उसको तत्काल व्यवस्था की जाए और तुरंत टेम्परेरी अस्पताल तुरंत खोले जाए। ये जितने भी बड़े 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 होटल्स हैं, बड़े बड़े जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इसको तत्काल हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित किया जाए, ये मेरी मांग है। तत्काल वहाँ पर वेंटिलेटर की व्यवस्था कराई जाए, जितने बड़े स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, जितने बड़े होटल्स बंद हैं, इनको अस्पताल में परिवर्तित करके इनको तुरंत हॉस्पिटल बनाया जाए और तुरंत इस पर युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए। सारे हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज लेकर इसको तुरंत अस्पताल घोषित करें और वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवा की व्यवस्था करें, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था करें, ये हमारी डिमांड है, हमारी मांग, हमारा सुझाव है। न कि शमशान बढ़ाने की बात करें, शमशान बढ़ाने की बात न करें कि मणिगंगा हरिश्चंद्र महाशमशान है तो एक जो है राजघाट में बना दिया जाए, एक रामनगर में बना दिया जाए, इसकी जरूरत नहीं है बनारस में। हम लोग इसकी निंदा करते हैं, भर्सना करते हैं, गौर निंदा करते हैं। अस्पताल बढ़ाए जाएं, अस्पताल बढ़ाए जाए, उसमें व्यवस्था की जाए, अगर कहीं जरूरत है हमारे लोगों को, हमको कहेंगे, हम कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान पर खेल कर बनारस की जनता के लिए काम करेगा, खड़ा है। शनिवार की रात महमूरगंज क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल करने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सहायक उपायुक्त भेलूपुर के नेतृत्व में पुलिस टीम भेलूपुर को उस समय बड़ी सफलता मिली जब अमित कुमार मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक भेलूपुर, हमरा कर्मचारीगण ड्यूटी पे थे। उन्हें मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि थाना भेलूपुर से संबंधित हत्या के प्रयास के फरार अभियुक्तगण कहीं जाने की फिराक में महमूरगंज से मंडवाडी स्टेशन पर जाने वाले हैं। इस सूचना पर विश्वास कर थाना प्रभारी भेलूपुर ने त्वरित कार्रवाई की और जैसे ही वो अपनी टीम के साथ मंडवाडी स्टेशन स्थित हनुमान मंदिर के सामने पहुंचे तो वहां खाली जमीन पर 2 व्यक्ति खड़े होकर बात कर रहे थे। पुलिस ने दबिश देकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अभियुक्तों ने अपना नाम अजय कुमार वर्मा और अमित कुमार प्रजापति बताया है। इनके पास से एक अदद रिवॉल्वर,
एक अदद खोखा व एक अदद जिंदा कारतूस बरामद की गई है। कल रात्रि को महमूरगंज थाना भेलूपुर में एक पंकज राय जो दवा व्यवसायी हैं उनको पेट में गोली मार दी गई थी, उसी के संबंध में आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कुल घटना इस प्रकार है कि इसमें एक अभियुक्त अजय कुमार वर्मा जो कि अपने माँ के लिए दवाई इत्यादि लेने गया था, जो व्यवसायी है वो दुकान बंद कर रहे थे इसलिए उन्होंने दवा देने से मना कर दिया, जिस बात पर इनकी बहस हुई और आपस में गाली गलौज इत्यादि हुई और इसी से क्षुब्ध होकर लगभग रात 9:44 बजे वापस आए और वापस आके इन्होंने उनसे किसी बहाने से बाहर बुलाया दुकान से और गोली मार दी। इनका अभी तक जो पुलिस ने छानबीन में पता किया पुराना कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जो लाइसेंसी रिवॉल्वर से अजय कुमार वर्मा ने फायर किया है जिसमें 2 अन्य व्यक्ति जो इनके दोस्त हैं ये भी साथ में गए थे और उन्होंने भी झगड़ा फसाद वहाँ पे किया था। फिलहाल 3 को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। काशी विद्यापीठ ब्लॉक के खनाव गांव के बूथ पर फर्जी मतदान अधिकारी को पुलिस ने हिरासत में लिया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में आज वाराणसी में मतदान किया जा रहा है। मतदान के दौरान पप्पू नामक व्यक्ति फर्जी मतदान अधिकारी का आई कार्ड लगाकर काशी विद्यापीठ ब्लॉक के खनाव गांव के बूथ केंद्र पर घूम रहा था। सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को शक होने पर जब पूछताछ की गई तो वो अपने विषय में न बताते हुए वहां से जाने लगा। पुलिस अधिकारियों ने उसे पकड़ना चाहा तो वो भागने लगा। वहीं दूसरी तरफ से आ रहे चौकी इंचार्ज ने मामले को समझा और युवक को पकड़कर हिरासत में ले लिया। पकड़े गए युवक से पूछताछ की जा रही है। मनोज सिंह है क्या? अब सर हमको तो नहीं प्रत्याशी है क्या? नहीं, प्रत्याशी कुछ नहीं है। तो मनोज सिंह कह देंगे तो आप मतदान अधिकारी का डीएम लगा के स्लिप घूमोगे? नहीं, ये क्यों लगाए हो आप? हमको दे दिए, पढ़े नहीं इसको। मतदान अधिकारी कौन होता है? बुलाइए उनको, बुला लीजिए उनको, बुलाइए, जाकर नहीं बुलाइए, हम ला रहे हैं सर उनको। नहीं तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें बैठाओ इनको। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने से बनारसी साड़ी के कारोबारियों ने सोमवार और मंगलवार को बंदी का ऐलान किया। वाराणसी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार न थमने से बनारसी साड़ी कारोबार सोमवार व मंगलवार को भी बंद रहेगा। वहीं बुनकर अध्यक्ष मोहम्मद स्वाले अंसारी ने कहा कि प्रशासन द्वारा शनिवार और रविवार की बंदी रखने का आदेश दिया गया है और हम बुनकरों ने भी बढ़ते कोरोना को देखते हुए सोमवार और मंगलवार की बंदी का फैसला लिया है, क्योंकि देश है तभी हम हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मैं वाराणसी के हर व्यवसायी से अपील करता हूं कि वो भी सोमवार और मंगलवार को बंदी रखें। उन्होंने कहा कि अगर सप्ताह में 4 दिन बंदी रहेगी तो इससे बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। कोरोना को भगाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और मास्क लगाकर रखा जाए। उन्होंने कहा कि संपूर्ण लॉकडाउन लगने से जरूर व्यापार पर असर पड़ेगा, लेकिन 2-4 दिन की बंदी होने से कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहली बात की सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, देश है तब हम लोग हैं, तो देश को बचाना है तो पहले आप लोग बंदी कीजिए, उसके लिए दूरी बनाइए, मास्क लगाइए और तब भी कोरोना भागेगा, कोरोना भागेगा तो देश बचेगा। इसलिए हम लोग रखा गया कि 2 दिन बंद रहे सोमवार मंगल, और सबको हर कारोबारी से मैं अपील भी करना चाहता हूँ, हर लोगों से भी, कि वो लोग भी काम दम बंद करें, क्योंकि जो भरपूर लॉकडाउन लगा था उसमें सब लोग परेशान था। अब इससे अगर मान लीजिए अगर 4 दिन बंदी होता है तो उससे हमारा नुकसान नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसके प्रभाव तो उस पर कुछ नहीं पड़ेगा, जो संपूर्ण लॉकडाउन लग गया था उस पर तो असर पड़ा था ना, बाकी ये 2 दिन की बंदी से कोई असर नहीं पड़ेगा, इससे कोई नहीं होगा, बाकी इससे सबको फायदा होगा कि हर आदमी सुरक्षित रहेगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को पुलिस व प्रवर्तन दल ने जागरूक किया। कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए पुलिस व प्रवर्तन दल के लोग सतर्क हो गए हैं। सड़कों पर चलने वालों को बगैर मास्क के न चलने की हिदायत दी गई। वहीं समय से दुकान खोलने और बंद करने की भी अपील की गई और ऐसा न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई। इस दौरान
चेतगंज, लोहराबीर, बिनियाबाग, नई सड़क इत्यादि क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया गया। आप लोग कोरोना कर्फ्यू का पूर्णतः पालन करें, आप लोग रोड पर ना निकले, अन्यथा आप लोग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बार बार अनुरोध का गलत फायदा न उठाएं। को सूचित किया जा रहा है कि मास्क लगा करके रखें, नाक और मुंह को ढक कर रखें, आपस में दूरी बना कर रखें, दुकान पर भीड़ ना लगाएं और बेवजह रोड के ऊपर ना घूमें। जरूरत नहीं है तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। संक्रमण बढ़ते जा रहा है, बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए मास्क जरूर लगाएं। बिना मास्क के इधर उधर ना घूमें। बिना मास्क के पकड़े जाने पर जुर्माना किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। पीएम आवास योजना के तहत आवंटित आवासों को तोड़े जाने के संदर्भ में छतरीपुर के लोगों द्वारा दिया जा रहा धरना जारी रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटित हुए थे, जो नगर आयुक्त की तरफ से उन आवासों को तोड़ने की नोटिस दिए जाने पर शास्त्री घाट पर छतरीपुर के लोगों द्वारा दिया जा रहा धरना 10वें दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे बालास्वामी ने कहा कि हम 10 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी 6 सूत्री मांगे हैं और जब तक वो मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक धरना जारी रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जो नोटिस भेजी है, घर तोड़ने का जो नोटिस है, मोदी जी का आवास मिला है, जो वहाँ 50 की संख्या में है, और उस आवास को तोड़ने का जो ये नोटिस दी है, वो नोटिस वापस करें। और वहाँ जो बंजर भूमि है, डीएम साहब, लेखपाल वगैरह की गलतियों से जो छूट गया है, आबादी घोषित नहीं की गई है, उसे आबादी घोषित करें, यही मेरी मांग है। और सारी चीज़ों का अवलोकन, सारी पत्रावली हमारे पास है, सारे हमारे पास कागजात मौजूद हैं, और हम हमेशा टैक्स देते रहते हैं, और टैक्स हमारा जो है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जो भी हमारा बिजली का टैक्स हम देते हैं, पानी का टैक्स हम देते हैं, और हम जो है मकान का टैक्स देते हैं, नगर पालिका से हमको जो है राशन वगैरह का कार्ड वगैरह सब हमको मिला है। लेकिन बताइए कि इन मकान को जो हमारे मोदी साहब प्रधानमंत्री योजना के जो मिला है, उसको क्षतिग्रस्त करने का इनको कौन सा अधिकारी नोटिस देने का हुक्म दिया है? क्या राजस्व मंत्री जी ने इनको आदेश दिया? क्या यहाँ के कलेक्टर साहब ने आदेश दिया, या मुख्यमंत्री जी ने दिया, या हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनको आदेश दिया है? दिनों से धरना पर बैठे हैं, मांगे क्या हैं? हमारी मांगे, आज मैं 10वां दिन है धरने पर बैठा हुआ हूँ, और हमारी मांग यही है कि वो नोटिस वापस करे, अपना नोटिस वापस कर ले, और हमारी मांग जो है वो हमारा मकान को क्षतिग्रस्त करने का योजना छोड़े। और दूसरी बात ये है, उस मकान में और जो ज़मीन है बंजर, भूल से उनके छूट गई है, सारे पेपर हमारे पास हैं, उसको आबादी घोषित करने का काम करें। बजड़िया अतकरघा क्लस्टर विकास संस्थान में 5 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट रायबरेली के फैशन मैनेजमेंट स्टडीज विभाग द्वारा आर्टिजन अवेयरनेस वर्कशॉप एवं क्लस्टर से संबंधित उद्यमिता अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हैंडलूम एवं उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी के साथ साथ ऑनलाइन मार्केटिंग के अवसरों के बारे में 5 दिवसीय बुनकरों को जानकारी हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर भारत शाह नंद सिंह बोरा, संयुक्त निदेशक राजेश कुमार चौधरी, सहायक प्रोफेसर एवं केंद्र समन्वयक केतन ढिल्लो आदि लोगों ने विभिन्न पहलुओं पर विचार रखा। बजड़िया हथकरघा क्लस्टर विकास संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद स्वाले अंसारी के नेतृत्व में 9 बुनकरों ने ऑनलाइन जानकारी प्राप्त की, जिसमें हामिद अंसारी, रियाजुद्दीन, अब्दुल अहद सगीर अहमद इत्यादि लोग शामिल रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु दूसरे चरण में वाराणसी में हुआ मतदान, ज्यादातर मतदान स्थल पर कोविड गाइडलाइन का नहीं हुआ पालन।
नवरात्र के सातवें दिन भक्तों ने मां कालरात्रि के दरबार में टेका मत्था। पूर्व विधायक अजराय ने भाजपा सरकार को घेरा, त्वरित अस्पताल की व्यवस्था किए जाने की करी मांग। और शनिवार की रात महमूरगंज क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल करने वाले दो अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।